मध्य प्रदेश में धार के कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाटा बिल्लोद में सीएसआर फंड से किए गए विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री राम फाउंडेशन और मोहरा स्टील के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि घाटा बिल्लोद की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पीतमपुर के श्री राम फाउंडेशन और मोहरा स्टील द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से छात्रों को शाला में बेहतर वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से फिलहाल 25 लाख रुपए खर्च कर आरओ प्लांट शेड निर्माण ग्राउंड पर पेवर ब्लॉक ग्राउंड लेवलिंग फर्नीचर अलमारी वॉल पेंटिंग बोर्ड प्रोजेक्टर कंप्यूटर सेट साउंड सिस्टम पंखे लगवाने इत्यादि कार्य करवाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से एक और भवन निर्माण फर्नीचर स्मार्ट बोर्ड कंप्यूटर केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो लैब के साथ ही लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने की प्लानिंग है। प्रस्तावित भवन में तीसरी मंजिल पर इंडोर गेम्स की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि जिले में 222 शालाओं में इस तरह के कार्य किए जाने की पहल कलेक्ट्रेट द्वारा की गई है। जिले की 21 सदस्य टीम इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रही है। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि धार जिले में 111 हमारे संकुल हैं और हर संकुल में हमने एक प्राइमरी स्कूल और एक मिडिल स्कूल, ऐसे करके 222 स्कूलों को इस वर्ष उत्कृष्ट बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे 222 स्कूल को 111 हमारे अधिकारियों ने भी गोद लिया है। और हम लोगों ने विस्तृत ट्रेनिंग रखा है, उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी बनाया है 40 बिंदु का, जिसमें 20 बिंदु है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में और 20 बिंदु हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे रखा है। और मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि हमारे जब हमने शुरुआत किया था तो सारे स्कूल्स जो है सी या डी ग्रेड में थे, तो हमने फिर से रीएवैल्यूएट किया है अभी एकेडमिक ईयर फिनिश होने के बाद, तो सभी स्कूल्स, अधिकांश स्कूल्स बी ग्रेड में आए और थोड़े स्कूल्स हमारे ए ग्रेड में भी आए। और हमारा प्रयास यही है कि इन सभी स्कूल्स को ए ग्रेड में लाना है ताकि संकुल में अन्य जितने भी स्कूल्स हैं वो भी उससे मोटिवेटेड होके वो भी अगले साल ये प्रयास हम लोग शुरू कर सकें। हम लोग इस बार, जैसे मैंने जो गोद लिया हुआ स्कूल है या अन्य स्कूल्स में भी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस हो, जैसे यहाँ पर भी शुरुआत किया गया है, लैबोरेटरीज हो साइंस के हो या कंप्यूटर लैबोरेटरीज हो लाइब्रेरीज हो, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप करने के लिए हम लोगों ने बाला एक्टिविटीज़ हो, हमारे अन्य जितने भी एक्टिविटीज़ है ये भी हमने शुरुआत किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग इसको आने वाले सालों में और भी अधिक हम लोग करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.